नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शाही थर्ड एस्टो रिसर्च सेंटर के सीरीज़ में आपका फिर से वेलकम करता हूं। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज रहती है एजुकेशन को लेकर, और एजुकेशन हमारी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा रहता है। कौन से सब्जेक्ट को चूज़ किया जाए, ये हमारी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का चूज़ करना हमारी लाइफ के करियर के और बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और एक तरक्की का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे एजुकेशन के जो प्लैनेट्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कई बार कुछ होरोस्कोप में ऐसे योग होते हैं जिन योगों को बनने से जातक कोई भी एजुकेशन में अच्छा रोल प्ले कर सकता है। उस योग को कहा जाता है सरस्वती योग। आज हम सरस्वती योग के बारे में बात करेंगे। जुपिटर, मरकरी और वीनस, ये तीनों ही प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है सरस्वती योग के लिए। जब कभी भी जुपिटर, मरकरी और वीनस लग्न सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और टेंथ हाउस, मतलब जब ये तीनों प्लैनेट सिर्फ इन्हीं हाउसेज में हों, चाहे उनके साथ कोई और प्लैनेट भी बैठ जाए, तो ये सरस्वती योग माना जाता है। ऐसे जातक बड़े लॉजिकल होते हैं, उनकी लर्निंग सेंस बहुत अच्छी होती है और ये किसी भी विषय के ऊपर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और उसमें टॉप कर सकते हैं। आज हमने छोटा सा योग पढ़ा सरस्वती योग, जो कि एजुकेशन के लिए था। आगे जाकर हम डेली छोटे छोटे योग पढ़ते जाएंगे, जिससे हमें काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प मिलेगी। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और ज़रूर करें। गुड बाय।